उम्मीद करते हैं ठीक हो गया। हमारी तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अब उसे बोलने दो ना। ओके 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 स्टार्ट। ओह माय गॉड, मेरी बेटी क्वीन की तरह लग रही है एल्सा। तो भाई यार, रिताज का जो था ड्रेस हमने स्किप करके ये पहना दिया, क्योंकि हुआ ये कि हम जा रहे थे, हमारे एक अच्छा सा प्लान था, लेकिन जीनत आपी की, हाँ सडनली जीनत आपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका बीपी हाई हो गया और रात भर वो सोई नहीं थी, तो इस वजह से ना वो अभी सो रही हैं। तो हम अपने किसी और प्लान पे, क्योंकि एक प्लान रिताज का होता है और आज का ईद का दिन तो बच्चों का होता है। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर और हमने फुल फन करना है रिताज के साथ आज। यस, आज रिताज का दिन है ना। और पता है आज तो रिताज के मामू ने ईदी भी इजी पैसा कर दी है। इस दफा हमने किसी की ईदी नहीं छोड़ी, हमने बोला हमें ईदी चाहिए, हमें ईदी चाहिए, हमारी ईदी तो बहुत जानी चाहिए। और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊं, अरिचा दिखाती है ड्रेस में ना भाई। ये बोला था कितना नया ड्रेस पहन लो, नया ही है लेकिन जो है ये नया ही है, लेकिन अभी मैंने स्किप कर दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मैंने सिर्फ एक घंटा पहना था, लेकिन मैंने यही पहन लिया था, किसने देखा वाली। मतलब जो ईद के ड्रेसेस आए थे उनमें से नहीं पहना, ये वैसे ही जो यहाँ से वैसे ही लिया था पहनने के लिए वो निकाल के पहन लिया। बताएगा कैसे, और कह रही आज मैं सिंपल लग रही हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद लेंस लगाए, हाँ जी 2 साल के बाद, और आई मेकअप किया, देखो आई मेकअप किया। तो चले अभी हम लोग चलते हैं बाहर आपके साथ। हाँ जी, रिताज की इतनी सारी ईदी है और रिताज ने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक लगाई है ना। हाँ जी, वैसे नहीं लगाई, वैसे घर में शोक शोक में लगाती लगाती, हाँ कहीं जाती, नहीं, जाती है। नहीं है तो आज शाम का फेर चलता है। तो चले जी, हम बाहर जा रहे हैं और रात का बज के, तो बस हम लोग अब जा रहे हैं। 8:09 मैंने यार नील पेंट भी लगाया बड़े टाइम के बाद, अपने रिंग भी पहनी आज। ये वो रिंग है जो मैंने इसको गोल्ड की इसकी लास्ट ईयर बर्थडे पे गिफ्ट की थी। हाँ जी, इतनी प्यारी है ये, दिख रही है, पैरों में भी लगाई है। सिटी सेंटर, लेकिन ये हम आ गए। हाँ प्ले एरिया जाना है, पहले हम ऐसे करते प्ले एरिया चलते हैं, ठीक है आ जाओ। बहुत रश हो रहा है नीचे, तो पार्किंग तो है ही नहीं नाम की। इतना रश हो रहा है ना कि बस क्या कहने। हमें रिताज का कार्ड भी रिफिल करवाना होगा, रिशाज लास्ट टाइम इसका कार्ड ख़त्म हो गया था। देखें यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, इतना रश हो रहा है। तो बस अभी हम ऊपर जाते हैं। और दुबई में पता है क्या, दुबई एक ऐसा मतलब यूएई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप हर तरह के ड्रेस वेयर कर सकते हैं, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा। जैसे आप यूरोप या दूसरी कंट्री में हो तो थोड़ा सा फील होता है पाकिस्तानी ड्रेस या कुछ ऐसे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिंदास होके आप पाकिस्तानी पहनो, ईस्टर्न पहनो के वेस्टर्न पहनो या कुछ भी ना पहनो, या कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे छोटे से छोटे कपड़े वाली भी आपको यूरोपियन दिखेंगी और फुल अबाए वाले भी दिखेंगे, पाकिस्तानी भी इंडियन भी, यहाँ ज़रा भी नहीं फील होता है कि आपने किस तरह के ड्रेस पहने। हाँ, और यहाँ ज़रा भी नहीं फील होता, सब अपने अपने में मस्त होते हैं, ये सब समझ नहीं आता है। अब हम लोग आ गए गेम खेलने, बहुत स्लो स्लोली जाते हैं, देखते हैं गिरता नहीं गिरता, अभी तक तो एक भी नहीं गिरा। खत्म, मुझे टिकट्स गिर गए। हाँ हम लोग आए वाला गेम खेलने और इसमें अच्छे खासे टिकट्स खेल जाते हैं, और ये वाला बहुत अच्छा खेलते हैं। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही ब्लॉग में, इतना शोर हो रहा है। खेलने आ रही है, आप नहीं खेलने? नहीं खेलो, मेरा बाजू दुख गया, बड़ा हिम्मत खत्म, उल्टा उल्टा करके उल्टा करके दोबारा करो। दोबारा वैसे उल्टा करके उस तरफ से ना।
1 2 3 go. ज्यादा है मेरी ताज कितने आने चाहिए? Only four. दोबारा अच्छा चलो दोबारा खेल लो भाई जोर से देना ऋषा 1 2 3 चलो 40 टिकट ले लो। ये गेम चलो इस जगह मैं नहीं खेल रही। रेड पे नहीं मारना है, जो रेड होगा उस पे नहीं मारना है, ठीक है? देख 1 2 3 मोबाइल फोन ले रहे ताज में देख लो देखिए यहाँ पे मैंने अभी सेल्फ ऑर्डर तो कर दिया आधे घंटे में तो हमें चेयर मिली है बैठने के लिए बच्चों को बिठा कर मैं यहाँ पर आई हूँ 86 अभी 86 अभी बन रहा है अभी हम जाके कुछ और ले लेते हैं और ईशा का और मेरा कुछ अलग से खाने का दिल है बिल्कुल डिफरेंट तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा आज और थकन इतनी हो रही है बच्चों के साथ आ तो जाती हूँ बच्चों के लिए लेकिन बाद में मेरी हालत जो होती है ना देखना एक घंटे तो खड़े रहे उसके बाद तो हमें सीट मिली है खुशी रह गई रिताज की क्या है आज न्यू टॉय आया है रिताज का आज मैंने पता क्या इसका हैप्पी न्यू ईयर साथ खाने लिया रिताज को खांसी हो रही है अरे वाह ये देखो रिताज ने कैसे बनाई है अरे वाह भाई वाह पहली दफा जो है हम ये वाला फूड लाए क्योंकि हम लोग को इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है खाना बहुत देर से खाया था हमने इस वजह से ना फिर हम ये ले आए ग्रिल मैंने कहा ठीक है देखिए यहाँ पे हर जगह बहुत ज्यादा रश है यहाँ से सीट छोड़ते नहीं उससे पहले कोई ना कोई खड़ा हुआ होता है सीट के लिए अब हम जा रहे हैं रिताज इंजॉय अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग ईद मुबारक हाँ ईद मुबारक चलो उनकी ठंडी से स्टार्ट हो जाती है नहीं रिताज ये नहीं लो खांसी हो रही है बहुत ही कुछ और ले लो क्या लेने हो देखो खट्टी वाली कोई भी गमी या कैंडी ये देखो इधर वो देखो लॉलीपॉप ऊपर अच्छा ले लो जाओ अच्छा कार्ड से पे कर देना बेटा ले लो कौन सी लेनी है ले लो कोल्ड ड्रिंक चाहिए अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए ये वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए ये बनी भी डाल दो ये रहा ना ये बनी भी चाहिए और ये वाली भी डाल दो सांप सीढ़ी नहीं सांप वाली नहीं देखो वो वाली देखो फिश वाली कोने पे लास्ट में ये जेली वाली हमें रश ही रश मिल रहा है क्यों रिशा जिस जगह जगह है हमें रश मिल रहा है और जल्दी जल्दी लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है लाइन से खड़ी भी होती है लेकिन ईद का दिन है टैक्सियाँ कम है और लोग ज़्यादा हैं लेकिन जल्दी जल्दी आ गए हैं ना दुबई मॉल की तरह खाली हुई है दुबई मॉल में तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे दिनों में जाना ही नहीं चाहिए कभी